वेलकम फ्रेंड, मैं मंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोष में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप अपने ट्रेन टिकट को बुक करवाए हैं तो अपने ट्रेन टिकट के इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी का जो नाम होता है वो नाम आप किस तरह से ऐड करेंगे, तो इसकी जानकारी इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल में IRCTC को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, IRCTC में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है ये लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपसे लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो पिन उसके बाद जो कैप्चा कोड है उसको फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लोग पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो IRCTC है वो लॉगिन कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अपने टिकट को देखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेन का जो ऑप्शन दिख रहा है वो ट्रेन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आपका माई बुकिंग का ऑप्शन दिख रहा है ये माई बुकिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आपका जो अपकमिंग टिकट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। तो चलिए पहले हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं पूरा जो टिकट का डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए, जैसे कि आपका कौन सा ट्रेन है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपका बर्थ क्या है, आपका टिकट कन्फर्म है या नहीं है, तो सारा चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस का है ट्रेवल इंश्योरेंस, इसका आपको यहाँ पे देखने के लिए ऑप्शन मिल जा रहा है। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, अपने टिकट के इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी का नाम को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्लिक हियर टू फिल द नॉमिनी डिटेल, तो आपको इस वाले पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मतलब आप जिससे इंश्योरेंस लिए हैं आपका वो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे SBI जनरल इंश्योरेंस से लिया गया है तो यहाँ पे आपका इंश्योरेंस का जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इंटर PNR जो टिकट का PNR नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है या ईमेल है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा और यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है ये कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए पहले हम लोग PNR नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा को फिल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो सारा डिटेल्स था उसको फिल कर दिया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पे खुल चुका है, आपका जितना यहाँ पे टिकट किया हुआ है सारा का डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इसमें कौन से में नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो नाम है वो नाम देखने के लिए मिल जा रहा है, उसके बाद आपका पॉलिसी नंबर, यहाँ पे पॉलिसी नंबर भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नॉमिनी का नाम, आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे उसका एज, उसका कितना एज हो रहा है ये एज यहाँ पे फिल करना होगा, उसके बाद रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है स्पाउस, सन, डॉटर, फादर, मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर, सिस्टर, तो यहाँ पे आपका जो रिलेशन है आपका उस रिलेशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो रिलेशन को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है अपडेट नॉमिनी, तो आपको क्या करना होगा इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे जो डिटेल्स है ये डिटेल्स को फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे के प्रोसेस पे चलते हैं।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो डिटेल्स था सारा डिटेल्स को यहाँ पे सही से ऐसे फिल कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, अपडेट नॉमिनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप अपडेट नॉमिनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका जो टिकट में है नॉमिनेशन ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर आपने अपने टिकट को बुक कराते समय इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी का नाम को ऐड नहीं किया था तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।